Good morning students, we will start our second lesson, parts of our computer. We can start from here. Making use of computers ke use kya kya hai. In the previous chapter you learned about the different parts of our computer, different parts of computer ke baare mein humne sikha. What parts of a computer can you view in the image below? So underline the parts you see. कौन से पार्ट्स इस इमेज में हमें दिख रहा है कंप्यूटर्स के, उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है. देर इज़ अ ब्रैकेट्स, देर इज़ अ मैनी स्पेलिंग्स ऑफ देर. सो मॉनिटर, सीपीयू, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर एंड स्पीकर. सो इस इमेज में हमें कौन से दिख रहा है. तो फर्स्ट वन इज मॉनिटर दिख रहा है हमें, देन फर्स्ट मॉनिटर. सो सेकेंड है सीपीयू, तो सीपीयू हमें यहाँ पर दिख रहा है. मॉनिटर, सॉरी माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इज नॉट देर. सो नेक्स्ट वन इज कीबोर्ड, कीबोर्ड इज देयर, येस अंडरलाइन देयर. एंड माउस इज, येस माउस इज देयर ऑल्सो, सो अंडरलाइन दैट स्पेलिंग. स्कैनर इज नॉट देयर, सो वी कैन नॉट अंडरलाइन दैट. एंड नेक्स्ट वन इज प्रिंटर, सो देर इज अ प्रिंटर ऑफ ऑन द टेबल, सो वी कैन अंडरलाइन दैट स्पेलिंग. एंड लास्ट वन इज स्पीकर, येस देर इज अ स्पीकर ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स रिकलेक्ट अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर लर्नड ईजियर. सो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हमें थोड़ा डीपली हमें देखना है. सो फर्स्ट टॉपिक इज मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. मॉनिटर हमें कैसा दिखता है, तो मॉनिटर हमारे टीवी के जैसा हमें दिखता है. सो वी कैन सी कलरफुल पिक्चर्स एंड वर्ड्स ऑन द मॉनिटर. हम मॉनिटर का यूज़ क्या है, व्हाट्स द यूज़ ऑफ मॉनिटर. सो मॉनिटर का यूज़ है कि हम उस पर क्या कर सकते हैं, कलरफुल पिक्चर्स एंड वर्ड्स ऑन द मॉनिटर. हम जो भी टाइप करता है वो भी हमें मॉनिटर पे दिखता है, और ड्राइंग और कलर फिल कर सकता है. सो नाउ नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीपीयू कैबिनेट. सो सीपीयू कैबिनेट इज अ देर इज अ सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, विदाउट सीपीयू कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स द कंप्यूटर टू डू फंक्शन. सीपीयू पूरे जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए काम करता है. सो वो हेल्प करता है कंप्यूटर को सारे फंक्शंस काम करने के लिए, चलाने के लिए. द सीपीयू इज इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट. अब हमें जो यहाँ पर सीपीयू दिख रहा है वो इतना बड़ा है, जो ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है उसके अंदर एक सीपीयू होता है, जो सीपीयू इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट, छोटा सा एक होता है पार्ट, और उसको हम सीपीयू बोलते हैं. हमें तो यहीं पर ये वाला हमें जो सीपीयू दिखता है वही सीखना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज अ कीबोर्ड. दैट इज अ कीबोर्ड हैज कीज. कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों बोलता है, देन कीबोर्ड्स में बहुत सारी कीज होती है, इसीलिए उसे कीबोर्ड बोलते हैं. अ कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज. ओके, इट हैज़ अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज एंड अदर फंक्शन कीज. बहुत सारी कीज होती है वहाँ पर, लेटर कीज, एंटर कीज, शिफ्ट की, ओके, फंक्शन कीज बहुत सारी होती है. इट इज़ यूज टू टाइप एंड गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज माउस. अ माउस इज यूज टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर. माउस का यूज़ क्या है, तो पॉइंट करने के लिए ऑब्जेक्ट को मॉनिटर में हम जो यूज़ करते हैं. वी कैन क्लिक और मूव द ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर. नाउ नेक्स्ट इज क्विक बाइट्स. मोस्ट कंप्यूटर माउस हैव अ स्मॉल व्हील इन द मिडल ऑफ टू बटन्स टू मूव पेजेस अप एंड डाउन. इट इज़ कॉल्ड स्क्रोल व्हील. ओके, देर इज़ अ माउस, माउस इमेज. सो वी कैन यू कैन सी देर दो बटन्स होते हैं, और बीच में एक व्हील्स जैसा होता है, उसे हमें मूव करते ही क्या होता है, पेज हमारा अप एंड डाउन होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंटर. अ प्रिंटर हेल्प्स टू प्रिंट पिक्चर्स एंड वर्ड्स दैट यू सी ऑन अ कंप्यूटर. द प्रिंट इज टेकन ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर. सो हम उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं. यस, प्रिंटर के यूज से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, पेपर पे प्रिंट निकाल सकते हैं, कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट, वॉट एवर. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. ये जो हमने आगे सीखे वो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स के थे. इसके अलावा हमारे कौन से हैं, तो स्पीकर्स और ऑल्सो
parts of computer. Imagine you are watching cartoons on your computer with your friends. हम अपने फ्रेंड्स के साथ कंप्यूटर पे कार्टून्स देख रहे हैं. इन द इमेज सर्कल द पार्ट्स पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट विल हेल्प यू टू हियर द डायलॉग्स ऑफ कार्टून्स. और आपको कौन सा पार्ट है जो आपको आवाज़ आपको डायलॉग्स सुनाई देंगे कार्टून्स के, तो वो कौन सा पार्ट है. मॉनिटर से हम सुन नहीं सकते, ना कीबोर्ड से, ना माउस से, ना स्पीकर से. तो यहाँ पर दो स्पीकर्स यहाँ पे दिए गए हैं, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो. सो इससे हम साउंड सुन सकते हैं, डायलॉग सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज यू एंड अदर्स कैन हियर साउंड ऑफ अ कंप्यूटर थ्रू स्पीकर्स. स्पीकर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग साइज के एंड अलग अलग शेप्स के होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवर हेडफोन्स. ओके, साउंड फ्रॉम स्पीकर्स कैन बी हर्ड बाय ऑल. साउंड जो स्पीकर से निकलता है वो हर कोई सुन सकता है, बहुत सारे सुन सकते हैं ऑल. नाउ व्हाट इफ़ यू वांट टू लिसन टू म्यूजिक अलोन. अगर हमें अलोन अकेले ही सुनना है म्यूजिक, देन व्हाट विल वी डू. सो वी विल यूज़ अवर हेडफोन्स. हेडफोन्स ऑल्सो हेल्प यू टू लिसन टू साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर. इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स विद द साउंड, यू कैन यूज़ द हेडफोन्स. अगर हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, देन हमें क्या करना चाहिए, हमें हेडफोन्स यूज़ करने चाहिए. कंटिन्यूज़ यूज़ ऑफ हेडफोन्स मे हार्म योर ईयर्स. हमें कंटिन्यूज़ यूज़ नहीं करना चाहिए हेडफोन्स का, बहुत यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें हार्म होता है, किसे, ईयर्स को, हमारे ईयर्स को हार्म होता है. इवन हाई वॉल्यूम ऑफ हेडफोन्स इज़ नॉट गुड फॉर द ईयर्स. हाई वॉल्यूम जो है साउंड नॉइज है, जो हमारे क्या करता है, कानों को, हमारे ईयर्स को क्या करता है, हार्म करता है. सो नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज माइक्रोफोन्स. माइक्रोफोन्स आर यूज टू रिकॉर्ड साउंड्स इन अ कंप्यूटर. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चैट विद अवर फ्रेंड्स यूजिंग द इंटरनेट ऑन अ कंप्यूटर. सो माइक्रोफोन से हम क्या कर सकते हैं, यूज टू रिकॉर्ड साउंड्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इन अ कंप्यूटर. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चैट, हम अपने फ्रेंड से बात भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज गुड टू नो समटाइम्स माइक्रोफोन्स आर अटैच्ड टू द हेडफोन्स, दीज आर कॉल्ड द हेडसेट्स. ओके, देयर इज अ पिक्चर ऑफ हेडसेट. ओके, नाउ क्लियर इट. नाउ फ्लैश बैक वॉट वी लर्न इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, स्पीकर, हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन्स ऑल्सो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन हियर साउंड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर थ्रू स्पीकर्स. हमें स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है. हेडफोन्स हेल्प यू टू लिसन साउंड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. हेडफोन्स एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खुद म्यूजिक सुन सकते हैं पर दूसरों को डिस्टर्ब किए बगैर. नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोफोन्स आर यूज टू रिकॉर्ड साउंड्स इन अ कंप्यूटर. नाउ नेक्स्ट इज अवर एक्सरसाइज. So we will start from here. Question number A. Read the sentences and complete the missing letters using words from the brackets. There is many options. So microphone, speakers, keyboard, printer, and headphones. So first one is dash R use. There is a S and dash R used to listen sounds from a computer. कौन सा है जो हम sound सुन सकते हैं? Listen to sounds from a कंप्यूटर. सो स्पीकर्स, एज फॉर स्पीकर. सेकेंड नंबर इज एम इज यूज टू रिकॉर्ड अवर वॉइस. वॉइस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, देन दैट इज अ माइक्रोफोन, एम फॉर माइक्रोफोन्स. ना थर्ड वन इज अ एच. एच आर डैश आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. सो कौन सा है जो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स को, दूसरों को डिस्टर्ब किए बगैर हम अपना हेडफोन, हम अपना म्यूजिक सुन सकते हैं, देन दैट इज़ अ हेडफोन. नाउ नंबर फोर्थ इज डैश हैज़ अ डिफरेंट कीज. कौन सी डिफरेंट कीज किसके किसके पास है, तो दैट इज़ अ आंसर ऑफ कीबोर्ड. नाउ नंबर फिफ्थ इज डैश प्रिंट्स ऑब्जेक्ट्स ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर. सो the answer is printer. Now question number B. Color the parts of the computer given below. That is your homework. Speakers, microphone and headphones. There is a three images and you have to color it. Okay. Now next is question number C. Tick the correct option. So we will start from number one. Tina wants to watch the cartoon show. To hear the sound, she has to attach dash to the computer.
टीना को मूवी या फिर कार्टून शो देखना है और उसे साउंड सुनना है तो वो क्या यूज़ करेगी? देन स्पीकर्स, मॉनिटर एंड प्रिंटर का यूज़ करेगी? नो, स्पीकर्स येस, बिकॉज स्पीकर से हम साउंड सुन सकते हैं, मॉनिटर या प्रिंटर से नहीं सुन सकते. नाउ सेकेंड नंबर इज, सीमा इज टेकिंग प्रिंट आउट्स ऑफ पिक्चर्स यूजिंग अ डैश. तो सीमा को क्या करना है? प्रिंट आउट निकालनी है पिक्चर्स की, तो वो क्या करेगी? प्रिंटर का यूज़ करेगी कि हेडफोन्स का यूज़ करेगी कि माइक्रोफोन का यूज़ करेगी? हेडफोन से तो हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, प्रिंटर से हम प्रिंट निकाल सकते हैं, माइक्रोफोन से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो प्रिंटर, यू हैव टू राइट दैट प्रिंटर. नंबर थ्री इज़, प्रतीक वॉज डिस्टर्बिंग अदर्स बाय प्लेइंग साउंड्स ऑन द कंप्यूटर. प्रतीक क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है दूसरों को सॉन्ग्स बजाकर. सो उसे क्या करना है? सो ही शुड अटैच द डैश टू द कंप्यूटर. अगर हम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हमें सॉन्ग्स सुनने के सॉन्ग सुन रहे हैं जब, तो या फिर कुछ मूवीज देख रहे हैं तब, तो हमें क्या अटैच करना चाहिए? डैश टू द कंप्यूटर. सो स्पीकर्स, नो, स्पीकर से तो सबको सुनाई देगा. द नेक्स्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड से हम सुन नहीं सकते हैं. एंड लास्ट वन इज अ हेडफोन. हेडफोन से हम सुन सकते हैं, तो हेडफोन्स लगाकर हमें अटैच करना चाहिए उसे. सो हम अकेले सुन पाएंगे, सबको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. द नेक्स्ट इज फोर्थ वन. माही टाइप्स लेटर्स ऑन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ. अगर माही को कुछ टाइप करना है तो माही किससे टाइप करेगी कंप्यूटर में? सो फर्स्ट वन इज अ कीबोर्ड. यस, आंसर इज कीबोर्ड. माउस या माइक्रोफोन से आप टाइप नहीं कर सकते. ना नेक्स्ट इज नंबर फाइव. नाज इज रिसाइटिंग द पोएम एंड रिकॉर्डिंग इट इन द कंप्यूटर यूजिंग अ डैश. नाज को रिसाइटिंग द पोएम मतलब बोलना है पोएम को, तो और रिकॉर्ड भी करनी है. देन वो क्या यूज़ करेगी? तो माइक्रोफोन यूज़ करेगी. हेडफोन से तो हम सुन सकते हैं, स्पीकर से सबको सुनाई देगा. स्पीकर भी यूज़ है क्या उसका? सुनाई देने का, आवाज़ सुनाई देती है उसमें से. और लास्ट वन इज़ अ माइक्रोफोन. सो आवर चैप्टर इज़ फिनिश हियर. थैंक यू.